व्हाट इज अ फाइटर्स आदर्श हियर। तो फाइनली हम लोग का अपडेट आ चुका है जहाँ पर हम लोग पास एस एस टेरी और एस एस मैरी और बहुत सारे गेम मोड्स नए नए आए हुए हैं। तो चिंता मत करो, हम लोग एक एक करके सब कुछ को कवर करेंगे। तो यहाँ हम लोग पास जो समन्स आए हुए हैं बस यहाँ पर हम लोग के रॉक के नए सेट और हम लोग का जो ऑप्शन कार्ड है कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। पर पहले अगर हम लोग इस सेट की बात करें तो यहाँ पर हम लोग आप लोग देख सकते हो कि हम लोग के यहाँ अटैक मिल रहा है हर एक कार्ड के ऊपर और उसके हम लोग का स्पेशल सिग्नेचर फाइटर बर्न और शॉक इंक्रीज हो रहा है और हम लोग का अटैक बढ़ 22% जब भी हम लोग का स्पेशल सिग्नेचर फाइटर एक्टिव स्किल लैंड करता है। और हाँ, अब से हम स्पेशल सिग्नेचर को एसएस बोलेंगे सीधे, ठीक है? तो आप लोग समझ जाना। तो एसएस कैरेक्टर जब भी हम स्किल लैंड हम लोग का अटैक बढ़ा 22% से और हम लोग का कूल डाउन रहेगा उस पर 10 सेकंड का। तो ये कार्ड जितना हम कैरेक्टर्स को देखो उसी हिसाब से हमको लगता बनाया गया है। और हाँ, ये वाला कार्ड हम लोग का ग्रैब स्किल इंक्रीज करने वाला है। तो ये कार्ड भी ठीक ही है, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है, क्योंकि ये कार्ड बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हम दे नहीं पाएंगे। उसके बाद हम लोग का जो 3PG हर एक के लिए आया हुआ है, 3 टाइप का अटैक स्किल क्रिटिकल, ये सब तो चीज़ है ही। और यहाँ पर हम लोग 2 बार हम समन कर चुके हैं और फुल ट्रांसपेरेंसी हमको 1 मैरी का 3PG मिल चुका है। तो अगर हम यहाँ पर समन करते हैं तो हमको टेरी का 3PG अब तो मिल ही जाना चाहिए सेलेक्टर के थ्रू, ठीक है? ये तो ही हो गया। अब कैरेक्टर बात कर लें तो हम लोग सीधे बढ़ते पहले टेरी की तरफ। और भाई टेरी बॉडी देख रहे हो, हाथ देख रहे हो, मतलब क्या बोले अब, बाप रे भयानक बनाया है मॉडल इसका। और हाँ, यहाँ बैकग्राउंड देख सकते हो टेरी को, हम लोग जो वाइल्ड वुल्फ हंग्री वुल्फ बोलते हैं तो उसका वुल्फ वाला लोगो भी है। और यहाँ पर क्राउजर और गीज है क्योंकि इन दोनों के साथ इसका लड़ाई होता है फेटल फ्यूरी सीरीज में। और उसके हम लोग के लिटरेचर में अटैक बढ़े अटैक टाइप फाइटर्स का अटैक 60% इंक्रीज हो जाएगा। और एज यूजुअल हमारे पास 30% पावर चार्ज रेट है। और उसके बाद हम लोग पास यहाँ पे इम्यूनिटी टू बर्न एंड स्टन है, क्या बात। और यहाँ पे डील्स स्टार लाइट डैमेज इक्वल टू 80% ऑफ अटैक टू टारगेट एवरी 1 सेकंड फॉर 10 सेकंड अपॉन लैंडिंग ए स्किल गार्ड इंक्लूडेड। मतलब आप गार्ड करो नहीं करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, स्किल पड़ा लो स्टार लाइट, ठीक है? उसका हम लोग का एचपी रिकवरी है यहाँ पर। और यहाँ पे हम लोग के पास शील्ड है और यहाँ पे बिकम्स इम्यून टू डैमेज फॉर 4 सेकंड, 1 सेकंड यूजुअली 3 सेकंड का होता है, यहाँ 4 सेकंड का है। मैन एचपी 30% और लेस। और एज यूजुअल हम लोग पास गार्ड करने से हम लोग पावर गेन करेंगे, तो ठीक है फिलहाल के तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और यहाँ स्किल्स की हम लोग बात कर ले तो हम लोग इन सब पे उतना जाएंगे क्योंकि मेरे पास कैरेक्टर है नहीं, ठीक। जब कैरेक्टर मेरे पास हो जाएगा, अगर मेरे पास हो जाता है, ठीक है अगर, तो हम इसके ऊपर कैरेक्टर बैकग्राउंड वाला वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग स्किल्स देख लेते हैं क्योंकि मेन चीज़ यही है। और हाँ, यहाँ पे चार्जिंग स्किल जो अपने कल के वीडियो में बोल दिए थे हम पहले ही, तो देखते हैं पहले स्किल। 1 सेकेंड, थोड़ा सस्ता नहीं लग रहा है, मतलब थोड़ा बिल्डअप नहीं, मतलब कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, चलो यार देखते हैं। ठीक है, मगर वो जो होता है ना जो पंच एक्टर जाता है जो इम्पैक्ट, वो चीज़ हमको यहाँ मालूम नहीं पड़ रहा, ठीक है देखते हैं। और देखो इसका शुरू जो टैकल मारा वो ठीक है, मगर बाद में वो जो टेरी का मेन चीज़ का जो हींच हींच के मारा पूरा जो इम्पैक्ट रहता है ना एक मूव का, उसमें मज़ा आता है ना, तो वो चीज़ हमको नहीं आ रहा इसका में। कि शायद अभी मेरे हम नया नया देख रहे हैं इसलिए हमको थोड़ा ऑड लग रहा होगा, मगर हम फ्रैंकली बोले हमको उतना मज़ा नहीं आ रहा था हम एक्सपेक्ट कर रहे टेरी से। चलो देखते हैं 3PG का 4 फिनिशर। ओके ओके ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, इसको वापस देखें हम लोग एक बार। ठीक है चलेगा। और ये हम लोग का नया 3PG। और हाँ, मेरा वीडियो में क्या बोले, पूरा 3PG हम लोग नहीं दिखाएंगे, तो हम लोग को इतना हिस्सा दिखाई दिए थे बस, ये लास्ट का जो इम्पैक्ट फ्रेम था वो हम लोग को नहीं दिखाया गया था। मगर ऑल इन ऑल ये वाला पूरा सिनेमैटिक 3PG है। अब बस देखने शुरू में ये वाला जो है इसमें हम लोग कुछ डैमेज डील कर सकते हैं कि नहीं, कि मैं तो फिर ये पूरा सिनेमैटिक हम लोग का अगर टाइम हम लोग रुकने के चक्कर में तो वो टाइम नहीं रुकेगा वहाँ पर, ठीक है? मतलब सिंपल आपको बता रहे हैं कि जैसे आप टाइम अटैक खेलते हो तो वहाँ पर आप लोग अपना 3PG चलाते हो, फिर आप लोग देखते हो मेगा मिनट्स में कि हम लोग टाइमर थोड़ी देर बाद में आता है, वो इसीलिए क्योंकि सिनेमैटिक चलते रहता है। मगर अगर आप एक बार कोई भी अटैक कर दो निम्बलेक्स 3PG में, आप लोग नए वाले अटैक कर देते हो एक बार, तो उसके बाद उसका टाइमर आया तो वो अपने समय पे आके वो खत्म हो जाता है टाइमर। बस यहाँ पे देखना हम लोग कुछ डैमेज डील कर पाएंगे कि नहीं शुरू में, मगर ये जो टेरी पोस्ट है बहुत बढ़िया लगा। मगर हम फ्रेंकली बोले हमको ये वाला 5PG ज़्यादा बेटर लग रहा है इस 3PG से। मतलब इसको देखो पूरा हींच के मार के एकदम पूरा, ये 5PG हमको इसका 3PG ज़्यादा बेटर लग रहा है, ये मेरा ओपिनियन है। आप लोग क्या बोलते हो आप लोग हमको नीचे जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि मतलब इसका मूव सब आप लोगों को पता है, हमको टेरी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ना ठीक है, हमको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया, मतलब हम क्या बोले हैं, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम लोग मैरी की बात कर लें, हाँ ठीक है, तो मैरी
सही है, मगर उससे सेम उसका बाइक लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का पूरा चिज़ुरू वाला लीडरशिप है, बस यहाँ पे हम लोग का ग्रैब है चिज़ुरू पास ब्लास्ट रहता था। और कोर का बात कर ले तो एज यूजुअल 30% पावर चार्ज रेट, और उसके हम लोग पास स्टर्न शॉक इम्यूनिटी, फिर हम लोग पास एक मिनट टेरी पास स्टर्न और बर्न था, ओके। और यहाँ पे डिक्रीज एक्टिव स्किल कूल डाउन व्हेन अटैकिंग शॉक टारगेट, बहुत बढ़िया। उसके 80% चांस टू स्टन ऑल द टारगेट फॉर 1 सेकंड अपॉन यूजिंग ए स्किल, सही है। मतलब आप लोग कोई भी पीवीई वाला मोड खेलो, यहाँ पे आप लोग ढेर सारे एनिमीज आ रहे हैं तो एक ही बार आप सबको स्टन कर सकते हो। और उसके बाद हम लोग पास यहाँ पर एक्टिवेट्स स्टन फैंग व्हेन अटैकिंग टारगेट दैट कैन बी ग्रैब्ड, ठीक है, देखना पड़ेगा चीज़ क्या है। और यहाँ पर हम लोग पास पीपी के लिए क्रिटिकल हिट शील्ड है, और यहाँ पर गार्ड करने से लोग पावर मिलेगा। चलो ये सब ठीक है, अब हम लोग सीधे बढ़ते हैं स्किल में। ये म्यूजिक कहीं सुने हुए हैं पहले, पहला ग्रैब है और शॉक है, ठीक। ये क्या, ये हमको लगा कुछ मैकेनिक होगा जिसके कारण से ये वाला चीज अभी तक पूरा हुआ नहीं है, इसको देखना पड़ेगा। ओके ओके, जर्मन सुप्लेक्स भाई 2 बार, क्या बात। और यहाँ पर हाइपर आर्मर, ठीक है, एक और ग्रैब। तो इसके सभी के सभी ग्रैब ही हैं, और ये वाला हम लोग का नया 3PG जो आया था कोर फिनिशर। एक सेकेंड, ये तो KO 15 का फिनिशिंग मूव है हम लोग का। KO 15 मैरी का यही मतलब फाइनल फिनिशर टाइप का है। चलो सही है, चलेगा। और हम लोग पास क्या है, हम लोग का नया 3PG मैरी के लिए। और यहाँ पे अगर हम लोग कुछ हिट करेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओ भाई सिटी तो बड़ा बढ़िया लग रहा था, और काफ़ी ज़्यादा लंबा 3PG है, काफ़ी ज़्यादा लंबा है। सही है, चलेगा। बस हमको लग रहा है कि हम टेरी से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गए, तो इसी कारण से हमको उतना मज़ा नहीं आ रहा है लूम में। हाँ, ऑल इन ऑल ये कैरेक्टर्स काफ़ी ओवर पावर तो होंगे, तो आप लोग जान के रखो, ठीक है, इतना तो हम बोलेंगे ही। और हम लोग पास इन लोगों का डेडिकेटेड टाइम अटैक आया है, और उसके बाद हम लोग पास जैसा हम लोग का BS नेमलेस और एज के टाइम में चैलेंज लेना आया था, उसी तरह यहाँ पर भी आया हुआ है, जिसको खेलने के लिए आपके पास टेरी या मैरी होने ही चाहिए। तो देख लो भाई। अच्छा हाँ, अगर हमको ये सब नहीं मिलते हैं ना, तो जिसके पास ये कैरेक्टर्स हैं वो हमको ज़रूर बताना कि यहाँ पे हम लोग को रूबीज़ मिल रहे हैं कि नहीं, नहीं तो या फिर हम लोग को रिवॉर्ड्स पूरी रास्ते में पहले की तरह। और उसके बाद हम लोग पास यहाँ डेडिकेटेड टाइम अटैक आ चुका है, जिसके बारे में पहले बताए थे, रूल वही है, आप लोग पास ये दोनों में से कोई भी एक कैरेक्टर होना ही चाहिए। और फिर हम लोग पास ये समन्स का हम लोग बातचीत कर चुके हैं, ये हम लोग का नया रश डंजन आया हुआ है जिसको आप लोग खेल सकते हो, यहाँ पर ढेर सारे फार्मिंग कर सकते हो। इसका एक्सचेंज शॉप हमको एक हद तक पसंद आया है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को हैमर्स मिल रहे हैं, सोल टोकन्स मिल रहे हैं। और ये सोल टोकन्स का आप लोग इस्तेमाल कैसे करोगे, जैसा हम बहुत बार पहले बोल चुके हैं, फेस्ट कैरेक्टर लेकर जाओ, ऑटो क्लियर करो, उसका सोल्स को क्या करो, सैलवेज कर दो, और उसके बाद वहाँ पर से सिल्वर टोकन्स को परचेज कर लो शॉप में से। तो इसलिए यहाँ काफ़ी सही लग रहा हमको। यहाँ पे हम लोग पास कैप्सूल मिस्ट्री बॉक्स भी, जो चीज़ कमी बहुत लोगों को होता है, हमको भी होता है, तो ये चीज़ काफ़ी सही है। और उसके बाद हम लोग पास यहाँ पे यहाँ सेट आ चुका है, वो भी एक नहीं 3 टू पाने के लिए, तो फार्मिंग बहुत ज़्यादा ज़ोर से करना पड़ेगा यहाँ पर, ये चीज़ तो फॉर श्योर है। और हाँ, यहाँ पर अगर आप लोगों को नहीं पता आप लोग ज़्यादा फार्मिंग कैसे कर सकते हो, तो अगर आप लोगों के पास ये सारे कैरेक्टर्स हैं अवेकेंट हैं, या फिर उनका लिमिट ब्रेक कर चुके हो, आपके पास मेमोरी उन लोगों को अवेकन करो, और अगर ये सभी कार्ड्स हैं तो उनको अगर आप इक्विप करते हो तो आप लोगों को यहाँ कॉइन बोनस मिलने वाला है। अभी फिलहाल अगर हम अपना बताएं तो मेरे को यहाँ पर कितना बोनस मिल रहा है, 306% का, ठीक। हम यहाँ पर इन सभी चीज़ों को उतना मैक्स करने की कोशिश किए, और उसके जो कार्ड्स मेरे पास है उन सभी को इनको देने की कोशिश किए हैं। तो ऑल इन ऑल यहाँ पर से आप लोग जम के फार्मिंग कर सकते हो, और ये तो वही चीज़ है, तो नए प्लेयर हो बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को यहाँ पर फार्मिंग करके इन टोकन को पाकर, और वेटरन्स हो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला, क्योंकि आप लोग इनका इस्तेमाल तो करोगे ही, और उसके बाद आप लोग जो मेमोरीज मिल रहे हैं उनको आप लोग रखे रहो, यूज़ मत करो। जब हम लोग फाइटर का निवाला है उसे कॉम्बाइन कर लेना, डायमेंशनल इन्विटेशन टिकट बना लेना, आप लोगों को उसमें बहुत काम आ जाएगा। तो ऑल इन ऑल ये वाला शॉप हमको काफ़ी सही लग रहा है। ये कार्ड्स को अगर आप लोग इस्तेमाल नहीं भी करते हो तो भी हम बोलेंगे एक बार फार्म कर लेना, बाकी कार्ड्स को ट्रांसलेट करने में आप लोगों के काम आ जाएगा। तो चलो, और हम लोग पास कुछ है यहाँ पर, रश डंजन हम लोग कवर कर चुके हैं, फाइटर को कवर कर चुके हैं, बचा हम लोग का आखिरी चीज़ गिल्ड रेड, ठीक है। और अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस किए हो कि नहीं, कि आप जब भी टैप करते थे हम लोग का उस समय स्क्वायर हेक्सागन टाइप का शेप लेता था, अब ये सर्कल हो चुका है, तो ये भी छोटा सा रिवैम्प हुआ है यहाँ पर। और हम लोग पास अगर गिल्ड में जाएं, तो गिल्ड में हम लोग पास नया कंटेंट आ गया है फाइनली, और ये हमको खास अभी समझ में नहीं आया कि इसको खेलते कैसे, ठीक। मतलब हम तो यहाँ पर सिर्फ अपना कैरेक्टर लेके चले गए, ठीक, आप लोगों को हम दिखा देते हैं। हाँ, यहाँ पर आप लोगों को इन तीनों से किसी एक को सेलेक्ट करना रहेगा, हम तो कीओ को कर लेते हैं, उतना हमको अभी तक इसका समझ में नहीं है सिस्टम क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपने बेस्ट कैरेक्टर्स को लेकर जाना है, ये मेरा तो गिल्टी गियर टीम सबसे बेस्ट है, और हम इन लोगों को लेकर गए, और एक ही बार खेलने का आप लोगों को मौका मिलेगा। अब फिलहाल ये कब कूल डाउन होगा इसका, कब हम लोग वापस खेलने मिलेगा, ये तो हमको अभी नहीं पता है, मगर
आप लोगों को एक ही मौका मिलने वाला है अभी के लिए जब के डैमेज करने का, और वहाँ पर आप देख सकते हो कि फिलहाल मेरे गिल्ड में सबसे ज़्यादा डैमेज हम ही किए हुए हैं, और हम कुछ भी नहीं हम इन लोगों को लेकर गए हैं, कार्ड्स फट दिए हैं और उसके सीधे मारना वहाँ पर शुरू कर दिया है। और एक चीज़ हमारा यहाँ नोटिस किया कि यहाँ पर आप लोगों को कैरेक्टर्स मरेंगे फॉर श्योर है। ये जो एक ब्लास्ट करता है वो हम आप लोगों को कल की वीडियो दिखा देंगे यहाँ पर कैसे खेले हम, मगर वो जो ब्लास्ट है उसको कैसे काउंटर करें वो चीज़ अभी उनको समझ में नहीं आया है, और वहाँ से आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो, चीज़ वही है। मगर इतना है, यहाँ पर भी आप लोग अपने कैरेक्टर लेके आओगे और मारना शुरू कर दोगे, बस इतना ही है। ठीक है, ये कोऑप तो फिलहाल हमको तो नहीं लग रहा है कि ये कोऑप डंजन है कि हम लोग साथ में खेल पाएंगे, मगर क्या पता शायद आगे चलकर हो जाए। और हाँ, इसका मॉडल काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ठीक है, ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लग रहा है, मतलब देख रहे हो ऐसा कुछ, आप इमेजिन करो आप यहाँ खड़े हो आपके सामने कुछ कोई ऐसा है, बहुत ज़्यादा हॉरीफाइंग नहीं हो जाएगा? इसका भाई साहब का आँख यहाँ पर है, ओहो चलो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और हाँ, इसका एक्सचेंज शॉप यार बिल्कुल भूल लगाइस, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पास ये वाला जो बॉक्स आया हुआ है ये हम लोग परचेज कितने कर सकते हैं, मगर यहाँ पर हम लोग रिवॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बहुत बढ़िया बढ़िया रिवॉर्ड्स है। तो देखो यहाँ हम लोग को स्टार इंप्रिंट स्टोन मिलने वाला है, और यहाँ पर हम लोग पास डबल अटैक स्टोन भी हैं, आप लोगों को मिलने के चांसेस ऐसा नहीं कि आप लोग मिल जाएगा, या तो फिर एच पी भी है, फिर यहाँ पर हमको डिफेंस स्टोन भी दिखा था, मगर ये अभी फिलहाल सिर्फ रेड एलिमेंट के लिए ही है ये सब। तो हो सकता है कि हर वीक हम लोग का चेंज होते रहे ये चीज़ भी, कि अभी रेड है नेक्स्ट वीक हम लोग का ब्लू, फिर येलो, फिर पर्पल, फिर ग्रीन, ऐसे होते रहेगा, मगर अभी के लिए इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, होना तो वैसे ही चाहिए, नहीं तो फिर कुछ मज़ा नहीं आया ज़्यादा खास करके। और हाँ, आप लोगों के पास यहाँ पर हैमर्स मिलने चांसेस है, और यहाँ फेस मेमोरीज, हाँ ये सभी फेसलेस मेमोरीज हैं, ये भी आप लोग पा सकते हो। फिर यहाँ पर इस कार्ड का इस्तेमाल करके अपने कार्ड को ट्रांसलेट कर सकते हो फेस कार्ड्स को। फिर यहाँ पर आप लोग को प्लेटिनम बैटल कार्ड का समन टिकट मिल सकता है, और ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि आप लोग देखो कि हम कार्निवल कितना जल्दी इसी हेल्थ से कंप्लीट किए थे। और फिर यहाँ पे बाकी सारे स्टोन्स तो हैं ही, तो ऑल इन ऑल ये वाली चीज़ काफ़ी बढ़िया है, इसको कुछ समय लगेगा इसको अच्छा समझने के लिए, फिर देखेंगे यहाँ पे क्या हम लोग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें आप लोगों को हम आने वाले समय में बता देंगे। तो गाइस इतना कुछ था हम लोग आज के अपडेट में, और ऑल इन ऑल हमको अपडेट काफ़ी सही लग रहा है। बस चीज़ ये कि जैसे कि मेरे पास ये दोनों कैरेक्टर्स नहीं है अभी, मैरी और टेरी, तो यहाँ दो में तो खेल ही नहीं सकते हैं, और गिल्ड रेड इसको तो देखना पड़ेगा कैसे खेलना है इसको, और उसके बाद हम लोग पास जो रश डंजन यहाँ से तो फार्मिंग हम लोग जम के करने ही वाले हैं। तो गाइस इस अपडेट में फिलहाल तो हमको इतना कुछ ही मिला है, और अगर आप लोगों को लगता है हम कुछ मिस किए हुए हैं तो हमको नीचे कमेंट जरूर बता दीजिएगा, और हाँ आप लोगों का समझ कैसे चल रहा है अगर आप लोग किए तो वो भी नीचे जरूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।